कोरोना वायरस महामारी के बाद पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था, जिसके अंतर्गत सभी मंदिर मस्जिद में पूजा नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी। पूरे 2 माह के बाद अनलॉक होने के बाद आज 8 जून से मंदिरों मस्जिदों में पूजा और नमाज पढ़ने की इजाज़त शासन के द्वारा दी गई है। इसी क्रम में उतराव के इनायत पट्टी गाँव में स्थित जामा मस्जिद का ताला खोलकर आज साफ सफाई के साथ सैनिटाइजर का भी छिड़काव कराया गया है। वहीं मस्जिद के मुअज्जिन सैयद तनवीर आलम को बताया गया कि सरकार के आदेशानुसार पूरे मस्जिद को सफाई और साफ करने के बाद सैनिटाइजर से छिड़काव कराया गया और यह भी कहा कि 10 वर्ष से कम आयु तक और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि आगे से मस्जिद के लिए जो भी शासन का आदेश होगा उसका पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। नमाज के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। इस अवसर पर मोहम्मद अरसू, मोहम्मद फहद, मोहम्मद फाजिल, सैयद मोहम्मद रजा, सैयद मोहम्मद मोहसिन आदि लोग मौजूद रहे। हंडिया से एसके सिंह की रिपोर्ट। जी, आपका परिचय क्या है? सैयद तनवीर आलम, मोहसिन जामा मस्जिद इनायत पट्टी। आदेशानुसार जैसे पता चल रहा है कि मस्जिद आज से खुल गई है, तो आज मस्जिद को डिटॉल से सैनिटाइजर कराया गया है, पूरा कालीन हटा दिया गया है और लोगों को बता दिया गया है कि थोड़े लोग आएंगे, 10 के नीचे के बच्चे नहीं आएंगे और 60 के ऊपर के मर्द नहीं आएंगे इबादत के लिए। वो अपने घरों में इबादत करें और मस्जिद के अंदर वही लोग आएँ जो दूरी बना करके अपना नमाज पढ़ें, 5 टाइम फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ें और सुन्नत नफिल अपने घरों में पढ़ें। उसके बाद अपने घर में जाएँ, इबादत इजाजत करें और मस्जिद से कालीन वगैरह जिस तरीके से मालूम पड़ रहा है उस तरीके से कालीन हटवा दिया गया है, किताब वगैरह सब रखवा दिया गया है, कोई दिक्कत है नहीं। अब पूरी मस्जिद सैनिटाइजर करा दिया गया है डिटोल से। और ये बच्चे अरसू और अहद दोनों बच्चे मेहनत किए हैं, अल्लाह ताला इन दोनों बच्चों को सलामत रखे और तमाम शासन प्रशासन वालों को अच्छा रखे और तमाम कौम को, तमाम इंसानियत को अल्लाह ताला सलामत रखे। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।